ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज मेरे बोलन का विषय है अज दा सिंह। जी हाँ, आज मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगिया वाले सच्चे पातशाह जी द्वारा सिरजे सिंह का जिक्र तुहाडे सामने करना चाहनी हाँ। यह वह सिंह है जिसकी दहाड़ सुन के चंगे चंगिया नूं भी भाजड़ पै जांदी सी। वह सिंह जो लखां दी गिणती विच भी पहचाया जांदा सी। वह सिंह जिसके चेहरे का अलग ही नूर सी क्योंकि उस विच कोई ऐब नहीं सी हुंदा। पर की अज भी साडा सिंह अजिहा है? जरा अपने आप पर झाती मार के देखो। अरे आज दे सिंह दी ओ गल किथे? आखिर उसने जिम्मेवार कौन है? जवाब असी खुद हाँ, क्योंकि असी खुद ही गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग तो भटकते जा रहे हैं। पहला दे सिंह जिम्मेवार हुंदे सी क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत गुरु की बाणी नित नेम ते दुध दे जग पीण नाल करदे सी। पर अज तो सिंह तो अपने दिन की शुरुआत गंदे मंदे टीवी चैनल ते शराब की बोतल नाल करदा है। कि यह गुरु गोबिंद सिंह जी का सिंह कहलाने के काबिल है? फिर नशिया की हालत विच झूठ चोरी बेईमानी वर्गी हथकंडियां नूं अपनांदा है, जिस करके उसकी पहचान तो बिल्कुल ही अलोप हो चुकी है। हर धर्म के रहबरां ने शराब पीन वालियां की तुलना दैनता ते राक्षस नाल की है। इस तो पास तो यही होया कि नशे करने वाले सिख भी दैनता तो राक्षसा तो घट नहीं, जो अज अपने गुरुआं दीआं कुरबानीआं नूं इलाज लगा रहे हैं। अरे अज तो सिंह तो अपने सिखी के चिन्हों की भी संभाल नहीं कर सकता। मोटे तौर पर जे कहा जाए सिखी की शान कमाने वाले केस जिन्ना खातर गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार वार दिता। भाई तारू सिंह जी ने अपने केस नहीं कटवाए पर अपनी खोपड़ियां लग करवा दी। भाई सतीदास मतीदास जी ने रूह में लपेटिया गया, अग ला दिती गई ते आरिया नाल चुराया गया। कि अज तक सिंह इन्ना पत्थर दिल हो चुके हैं कि उसनू कुर्बानियां नाल भरिया ठाठा मारदा सिखी का विशाल समुंदर भी नजर नहीं आ रहा। अरे अज तक सिंह तक केसां दी संभाल दी बजाय वन सवन्ने ढंगा नाल उसनू वांदा है कटवांदा ते जल वर्गे पदार्थां दी वरतों करदा है। ऐ सब करके उसनू इंज जापदा है कि वह बहुत वड्डा ते उच्चा नजर आंदा है। पर मैनू माफ करना, यह उसका बहुत वड्डा भुलेखा है। उस इंसान तो वड्डा बेईमान इस दुनिया विच नहीं जो अज अपने धर्म की होंद नू भी बचा सकता। असल विच सिंह शब्द का अर्थ है शेर। शायद इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत की दात छकाई ते सिखां नू सिंह बनाया। उन्होंने मुंडिया दे नां नाल सिंह ते कुड़िया दे नां नाल कौर की वरतों करके उन्होंने नाम नू उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिथे पहुंच के वह किसी भी पहचान के मोहताज नहीं रहे। पर अजकल दी नौजवान पीढ़ी इन्नी बेशरम हो चुकी है कि उन्हां नूं अपने नां नाल सिंह ते कौर लगाना आउट ऑफ फैशन नजर आंदा है। असल विच सिंह उही है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सिक्ख्या ते पंथ परवान रहत मर्यादा दे अनुसार चलदा है। हुण जरा दो मिनट रुको ते अपने आप तो सवाल करो कि तुहाडे अनुसार अज दी नौजवान पीढ़ी सिंह कहलाण दे काबल है? उत्तर तां तुहाडी सब दी अंतरात्मा जानदी ही है। जो सिख पंच ककारा विचों मुख ककार केसा की संभाल नहीं कर सकता, वह किस हक नाल अपने आप में सिंह कहलावेगा? चलो हुण गल करदे आं अजकल दे फैशन की। चरखे मधाणियां हल गिद्दे भंगड़े दीआं पोशाकां अजकल तो सिर्फ एग्जीबिशनां दीआं मोहताज होकर रह गई हैं। देखो यह कितनी हास्यहीणी गल है कि अज सानू अपनी ही विरासत अपनी ही सभ्यता अपने ही देश के चिन्हों देखने लिए पैसे लगा के एग्जीबिशन में जाना पैंदा है। ओ मूर्खो, जरा सोचो, यह किसी होर देश के चिन्ह ही हैं बल्कि साड़ी ही सभ्यता है जिन्हों अज असी पैसे लगा के एग्जीबिशन में देखने जाने हैं। मैनू नहीं लगता मेरे लिए तुहाडे लिए इस तो वध शर्मनाक गल होर कोई हो सकती है। जिवें कि असी जानते हाँ कि अज की नौजवान पीढ़ी एक्टरां की नकल करती है। असी नकल की करते हाँ? उन्होंने बाहरली दिखती कभी उन्होंने मेहनत ज अंदरूनी गुणा बारे जानने की कोशिश की है? जिस सदका जो उस मुकाम से पहुंचते हैं। होर तो होर अज की नौजवान पीढ़ी अपने आप में पंजाबी कहानी में भी शर्म महसूस करती है। आम तौर पर देखा जाता है कि स्कूलों कॉलेजों में पंजाबी बोलना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ नजर आता है। वह समझते हैं कि वह हिंदी या अंग्रेजी की वरतों करके अपने आप में ज्यादा मॉडर्न अखवा सकते हैं। देखो यह मॉडर्न ही तो जमाना है कि अजकल के बच्चों को पंजाबी में गिनती भी नहीं आती।
आखिर इसलिए जिम्मेवार कौन है? असी तो साड़ी सिख्या प्रणाली जो आज अपने बच्चों उन्हां दी मां बोली तो दूर करते जा रहे हैं। सब तो वध अफसोस की गल तो यह है कि अज असी पूरी तरह अंग्रेजी के दायरे विच फस चुके हाँ। हर पासे सिर्फ उस अंतरराष्ट्रीय भाषा पर ही जोर दिता जाता है। शायद यही कारण है कि अज साडे नौजवान अपनी मां बोली तो दूर होंदे जा रहे हैं। पहलां दे समें विच जदों लोग फतेहगढ़ साहिब सभा ते जांदे सी तां उन्हां दे मन विच एक शरदा भावना हुंदी सी, एक अफसोस की भावना हुंदी सी। पर अजकल तो लोग चाओ चाहे नवे कपड़े पा के उत्थे मेला देखण जांदे हन। साडी नौजवान पीढ़ी विच कुछ अजिहे भी हन जिन्हां नूं इह तक नहीं पता कि आखिर सभा क्यों भरदी है। पहलां दे समें विच जदों लोग गुरुद्वारे जांदे सी तां अपने बच्चों नूं इतिहास बारे जाणू करवाउण लई जांदे सी, पर अज दे समें विच गुरुद्वारे जाना तां सिर्फ इक छुट्टी नूं बिताउण दे बराबर रह गया है। लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे मत्था टेकण दा तां अपना फर्ज ही पूरा करदे हन, पर मूर्तां अगे किन्ना किन्ना चिर मत्थे रगड़ी जांदियां हन। असल विच सिखां नूं सिक्खी दे सिधांतां नाल नहीं पर शोहरत नाल प्यार हो गया है। पहलां दे समें विच जदों घर विच गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश करवाए हुंदे सी तां बच्चे बजुर्ग सारे लोग श्रद्धा भावना नाल बैठ के पाठ करदे सी, पर अज दे समें विच गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश करवाना तां सिर्फ रिश्तेदारां नूं इकट्ठा करन दे समान रह गया है। नौबत इत्थे तक आ चुकी है कि एक कमरे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश करवाए हुंदे हन ते दूसरे कमरे विच टीवी चल रहा हुंदा है। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਟ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਿੱਖੋ ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਜਪਿਤ ਸਰਦਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਜ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼, ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਫੜੀ ਦਫੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ ਇਨਸਾਨ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਖੋਖਲਾ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉ, ਰੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਾਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।